वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और ये जो आपका सेशन है, ये सेशन है इंडिया के मैप को याद करने का। पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है और उसका बॉर्डर किसके साथ में शेयर होता है। एक ट्रिक के साथ में हम लोग इस पर्टिकुलर इंडिया के मैप को समझेंगे एंड आई गारंटी कि सेशन खत्म होने के बाद में डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दोगे सो दैट बाकी स्टूडेंट तक भी ये सेशन पहुँच पाए। क्लास रिकॉर्डेड मोड में है क्योंकि 10 मिनट का क्लास है, रिकॉर्डेड हो लाइव हो डजेंट मैटर, हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्लास है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 36 ब्लॉक्स की। आप कहेंगे मैम ब्लॉक का क्या मतलब है? ब्लॉक का मतलब है कि 28 तो स्टेट हो गए हमारे और 8 क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। दोनों को मिला के कितना हो गया? 36। मेरी मैथ बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 36 ब्लॉक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपके आपके हाथ में इंडिया का मैप होना चाहिए ताकि आप उसके अंदर चीज़ों को लोकेट कर पाओ। 10 बार काम करने से अच्छा है कि एक ही बार में लोकेट कर लेना, ठीक है? देखिए शुरुआत करेंगे इंडिया के मैप से। आपको ये पूरा मैप नज़र आ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कि अभी लेटेस्ट जो ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये दोनों जगह जो हैं वो हमारे देश की जान है, आन है और बान और शान भी है ना। दैट मीन्स ये वाली जो जगह आप देख रहे हो ये जम्मू कश्मीर है। बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ठीक है? ऊपर के साइड पर देखोगे तो ये कौन सी जगह है? ये है लद्दाख, जिसको हम कहते हैं कि खूबसूरती तो यहाँ पर भरी हुई है। तो ये दो जगह जो है ना ये हमें वैसे भी याद हैं और आप कितना भी क्यों ना ट्राई कर लो आप इसको भूल ही नहीं सकते हो। इसको ना भूलने का रीज़न क्या है? देखिए इसको ना भूलने का रीज़न ये है कि अभी हाल ही में इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है 2019 में। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहा था। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉर्थ ईस्ट से। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखो किसी भी एग्जाम के, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो पहले हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग ईस्ट के जो स्टेट्स हैं इसको डिस्कस करेंगे, फिर हमारे जो वेस्ट के स्टेट हैं उनके बारे में बात करेंगे, चौथे नंबर पे हम लोग यहाँ आएंगे, ये जो आपको यहाँ पे स्टेट्स नज़र आ रहे हैं उनकी बात करेंगे, पांचवें नंबर पे हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया को डिस्कस करेंगे और 6 नंबर पे आके हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने इस पूरे इंडिया के मैप को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आई होप कि आप सभी लोग अब तक रेडी हो चुके होंगे। ऑल सेट ना? एक बार कमेंट बॉक्स में थम अप कर देना क्योंकि जब वीडियो चलता है आप जानते हैं कि हम देख ही रहे होते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं। शुरुआत करेंगे नॉर्थ ईस्ट से। देखो यार एक कहानी है, ठीक है? आप लोगों को कहानियां जल्दी याद होती हैं तो मैंने सोचा एक कहानी बना देते हैं। देखो सुनना, कहानी के अंदर आपको 3 कैरेक्टर मिलते हैं। एक का नाम है अरुण। यार बड़ी सर्च करनी पड़ी, मतलब भाई कहीं से कुछ तो मिल जाए, मतलब वो वैसा वाला था। एक का नाम है अरुण, एक का नाम है अश्मित और तीसरे का नाम है क्या? मेघा देवी। क्या नाम है? मेघा देवी। ये 3 लोग हैं, ठीक है? आप सुनो, स्कूल लाइफ में क्या होता है? पहला पहला प्यार, पहला पहला क्रश होता है, राइट? तो एक्चुअली क्या था कि अरुण और अश्मित जो है ना ये दोनों बड़े ही टॉप वाले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। और अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल में जब बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो दोनों का जो क्रश होता है ना वो क्रश भी एक ही होता है। तो इन दोनों बेस्ट फ्रेंड का जो क्रश था वो कौन थी? मेघा देवी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन थी? मेघा देवी। तो अब ये देवी हैं, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो अरुण और अश्मित थे इनका क्रश थी मेघा देवी। अब ये देवी जी हैं ना, अब देवी होंगी तो कुछ पूजा पाठ के बारे में बात करेंगी। तो जब यहाँ पे मेघा देवी को ये बात पता चली कि ये जो दोनों दोस्त हैं इन दोनों का क्रश हैं ये खुद, तो मेघा देवी ने कहा देखो मैं उससे दोस्ती करूँगी जो मेरे लिए एक काम करेगा। दोनों ने पूछा बताओ क्या काम करें। तो मेघा देवी ने कहा कि मुझे क्या चाहिए? मणि चाहिए। क्या चाहिए? मणि। मणि यानी कि सिंपल जो स्टोन्स होते हैं ना वो स्टोन इनको चाहिए, ठीक है? चलो मान लिया। तो इनको क्या चाहिए थी? इनको मणि चाहिए थी। दोनों ने कहा चलो ठीक है। अब दोनों ने क्या कहा कि भाई मणि अगर चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा किसी ना किसी लेक के पास में। कहाँ जाना पड़ेगा? किसी ना किसी झील के पास में जाना पड़ेगा। तो इनको लगा कि भाई जब झील के पास में जाना ही है तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे लोकटक लेक के पास में। सिर्फ कहानी सुनते जाना, अभी कुछ यहाँ पे लिखने विकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहानी सुनो, ठीक है? इन्होंने कहा कि भाई लोकटक लेक के पास में चलते हैं, वहां पे बहुत सारी मणि हमको मिल जाएंगी। गए दोनों यहाँ पे ला 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 गाना गाते हुए लोकटक लेक के पास में पहुंचे। लेकिन जैसे ही ये लोकटक लेक के पास में पहुंचे इन्होंने देखा भाई झमाझम बारिश भी हो रही है और वहां पे नाग देवता भी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? नाग देवता। क्योंकि मणि चाहिए,
मणि की सुरक्षा कौन करते हैं? नाग देवता करते हैं। अब इनको रास्ते में नजर आ गए भाई नाग देवता। अब दोनों बड़े टेंशन ही आ गए। अब दोनों ने सोचा यार एक लड़की के चक्कर में हम मरने थोड़ी ना जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि लड़की के चक्कर में हम मरने थोड़ी ना जाएंगे, एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं कहाँ पर, अपने स्कूल में, और स्कूल में चल के हम लोग क्या करेंगे अपना जैसा भैया पहला वाला जो स्वैग था ना, क्या करेंगे तांडव करेंगे चल के भाई साहब कहाँ पर, अपने स्कूल में वापस चल के। तो इन्होंने कहा, क्या कहा, अरुण और अश्मीर दोनों दोस्त थे, इनका क्रश जो थी वो मेघा देवी थी। मेघा देवी ने कहा कि मुझे मणि चाहिए और मणि लाने के लिए दोनों को जाना पड़ेगा लोकटक लेक के पास में। लोकटक लेक के पास में जब दोनों जाएंगे तो वहां पे इनको नाग देवता मिलेंगे जो प्रोटेक्शन दे रहे थे किसको, मणि को। और इन्होंने सोचा कि भाई साहब मरना थोड़ी ना है, अभी तो हमारी पावड़ी शुरू हुई है, और पावड़ी अभी जो हमारी शुरू हुई है तो हम क्या करेंगे स्कूल में वापस जाएंगे, और जैसे यहाँ पे कांड करते हैं, जैसे हम तांडव मचाते हैं, हम वही काम यहाँ पे करेंगे। आप सोच रहे होगे मैम कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी लेकिन इसका इन स्टेट से क्या लेना देना है। सुनिए ना, अब देखो सबसे पहला कैरेक्टर कौन था, अरुण, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर कौन है, अश्मित, यानी कि आसाम हो गया। तीसरा कैरेक्टर कौन है इस मूवी के अंदर, मेघा देवी, यानी कि मेघालय हो गया। समझ में आए तीनों? अगर आते जाएं समझ में तो जरा एक बार से कमेंट बॉक्स में थम अप करते चलना, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बोला कि ये तो तीन कैरेक्टर हो गए, लेकिन अब इनको क्या करना था, मणि चाहिए थी। मणि लाने के लिए ये कहाँ गए, लोकटक लेक, और हमें पता है कि जो लोकटक लेक है वो कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है। तो मणि और लोकटक, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे मणिपुर। पहुंच गए मणिपुर। अब मणिपुर पहुंचने के बाद में वहां पे क्या था, नाग देवता थे, तो हम आ जाएंगे कहाँ पे, नागालैंड में पहुंच जाएंगे। अब नागालैंड में जब ये पहुंचे तो इन्होंने कहा भाई मरने से अच्छा है कि हम क्या करें स्कूल में वापस चलें और वहां पे चल के हम तांडव करें, यानी कि अभी भी तीन स्टेट बचे हुए हैं। तो म से क्या हो गया, मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम। स से क्या हो गया, ये सिक्किम, क्या हो गया, सिक्किम। और तांडव से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेवन सिस्टर्स प्लस वन, यानी कि ये जो पूरी लोकेशन है ये हमको याद हो गई, जहाँ पे आपको सात राज्य मिल रहे हैं और इसके साथ में छुटकू सा एक और स्टेट है जिसका नाम क्या है, सिक्किम। आई होप कि इस कहानी से आपको ये पूरी जो लोकेशन है वो याद हो गई होगी। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अरुणाचल से त्रिपुरा जाना है तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वे कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम जाना है तो शॉर्टेस्ट वे कौन सा होगा, अरुणाचल से अगर बांग्लादेश जाना है तो शॉर्टेस्ट वे कौन सा होगा। आई होप कि अब आप इसका आंसर कर लेंगे। तो कैसी लगी ये स्टोरी पहले तो कमेंट में ये लिखो। तो एक तो कहानी ये हो गई, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम चलेंगे कहाँ पर, अब हम चलेंगे इस वाले सेक्शन पे, ये वाला जो हमारा एरिया है ईस्ट वाला, ठीक है। ईस्ट वाले सेक्शन में देखो ये क्या है, वेस्ट बंगाल, दिस इज ओडिशा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना और ये है तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगर हम यहाँ पे इसको शॉर्ट ट्रिक बनाएं तो हम क्या लिखेंगे, दिमाग में कुछ भी आ सकता है ना। जैसे ये मान लो बकरी, बकरी हम क्यों ले रहे हैं यार, अभी हिमालयन शेरोन देखा था ना, चांद सा रोशन चेहरा, तो देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा गोट। आप कहोगे मैम जी से तो यहाँ पे कोई स्टेट ही नहीं है, आप गोट काय को लिख रहे हो, तो सुनो ना हम क्या करेंगे इस जी को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ में, डब्लू के साथ में, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वोट, ये क्या बना वोट, ठीक है। इसको हमने किससे रिप्लेस किया, डब्लू से रिप्लेस किया, तो ये क्या बना वोट बना। अब सुनना बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है। मैंने कहा जी को हमने रिप्लेस किया और क्या बन गया, यहाँ पर वोट बन गया। अब देखो W से क्या हुआ, वेस्ट बंगाल, O से क्या हुआ, ओडिशा, A से क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, T से क्या हो गया, तमिलनाडु, और ये जो T यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो आपको पता ही है आंध्र से अलग होके क्या बना है, तेलंगाना। अब आप कहेंगे मैम मजा नहीं आया, मजा नहीं आया मैम, अरे भाई सुन तो सुनिए, मजा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और 2 मई को यहाँ पे जब चुनाव हो जाएंगे तो वोटों की क्या होगी, गिनती होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो टर्म यूज किया है वो क्या है, वोट। तो आपको ये समझना है कि जो चार राज्य हैं जहाँ पे वोटिंग करी जाएगी उसमें एक राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल, एक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तो हम चलेंगे वेस्ट बंगाल से और खत्म करेंगे कहाँ, तमिलनाडु पे, और दोनों के अंदर क्या होना है, इलेक्शन होना है। याद हो गया, बस यही तो करना था,
इतने में कहानी सेट है। अब ये बताओ ये दूसरी वाली ट्रिक याद हुई कि नहीं याद हुई। तो इससे हमने क्या कर लिया, इस पूरे एरिया को समझ लिया। ये वाला पूरा एरिया हमारा ऑलरेडी हो गया। अब आ जाओ किधर के साइड पे, ये वेस्टर्न साइड पे अब हम आते हैं, ठीक है ना। देखो वेस्टर्न साइड का मेरा मतलब है ये वाली जो जगह है, दिस इज व्हाट, ये महाराष्ट्र है। ये छोटू सा आपको नजर आ रहा है गोवा, ये है कर्नाटका, ये है केरला। लेकिन हमको नहीं पता कि जब हमको महाराष्ट्र से तमिलनाडु जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा होगा। यही तो एग्जाम में पूछा जाता है ना। या पूछ लेगा कि अच्छा ये बताओ इसका बॉर्डर किसके साथ में शेयर होता है। अब हमें सीक्वेंस ही अगर नहीं पता है तो हम कैसे याद करेंगे। अब सुनिए, आपको पता है कि गोवा के अंदर जो अल्कोहल है भाई, वहां पे पानी नहीं बिकता, वहां पे तो अल्कोहल बिकती है सीधे, है ना। तो सुनिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अल्कोहल जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पे मिलती है। जब अल्कोहल मिलती है सस्ते दामों पे तो जो कैश्यू है यानी कि जो काजू होता है ना, वो काजू भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो गोवा में क्या चीज फेमस है, काजू फेमस है, ठीक है। अब देखो हमारी ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक है काजू कतली। आप में से कितने ऐसे हैं जिनको काजू कतली बड़ी फेमस है, मतलब फेवरेट वाली है, फेमस तो है फेवरेट वाली है, वो बताओ। देखो काजू कतली गोवा में क्या है, काजू कतली गोवा में। अब देखो काजू से क्या हो गया, कर्नाटका नहीं बेटा केरला, सबसे पहले क्या आया, केरला आया, ठीक है। कतली यानी कि कर्नाटका, क्या हो गया कर्नाटका। काजू कहाँ पे थे, गोवा के अंदर थे, तो मेप थे ना यानी कि महाराष्ट्र। तो ये चारों से आपको क्या याद हो गया, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका एंड केरला याद हो गया। याद होता जाए और पसंद आती जाए ट्रिक, तो भैया थम अप करते जाना, तुम लोग के लिए बड़ा ढूंढना पड़ता है। चलो तो ये तो बात हो इसके बारे में। अब हमने ये वाली स्टेट हो गई, ये स्टेट हो गई, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस्ड, ये भी डिस्कस्ड और ये भी डिस्कस्ड। अब बचे यहाँ पे ऊपर टॉप पे, चलो ये क्या था, लद्दाख था, ये क्या था, जम्मू एंड कश्मीर था। ये हमें मालूम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो पता होना ही चाहिए। अब देखो एक ये जगह, एक ये जगह, एक ये जगह, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बीच में अगर हम इसको फ्लावर बना दें, तो इस फूल की एक पत्ती ये है, फूल की दूसरी पत्ती ये है और फूल की तीसरी पत्ती ये है, तो ये क्या है, फूल है। ये अंग्रेजी वाला फूल नहीं है, ये हिंदी वाला फूल है, फूल बन गया ना। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है, पंजाब है। ये कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है। ये कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड है। याद हो गया, याद हो गया कि नहीं याद हो गया। और इसी के नीचे देखो ये पंजाब और साथ में इसके कौन लगा रहता है हमेशा, हरियाणा। क्यों, क्योंकि दोनों की कैपिटल क्या है, सेम है, क्या, चंडीगढ़। तो इन दोनों के साथ में ये क्या हो गया, ये हो गया हरियाणा। तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ये भी गया और ये भी गया। अब क्या बचा हमारे पास में, यूपी बचा, भारत का दिल बचा, बिहार बचा, राजस्थान और गुजरात बचा, यही तो बचा है। अब देखो अगली वाली ट्रिक, मैप में अगला वाला हमें क्या मार्क करना है, अब आ जाओ इधर वाले एरिया पे, यानी कि ये है राजस्थान और ये है गुजरात, राइट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि राजस्थान का जो एरिया है वो पाकिस्तान के साथ में शेयर होता है कि नहीं होता है, गुजरात का एरिया शेयर होता है कि नहीं शेयर होता है। तो हमने मैप में तो ये चीज़ देख ली, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैम हम याद कैसे करें कि पंजाब के नीचे आ रहा है राजस्थान, राजस्थान के नीचे आ रहा है गुजरात, कैसे याद करें। देखो ऊंट मालूम है ना, कैमल कहाँ पे मिलेगा, थार के मरुस्थल में मिलता है, कैमल यहीं पे मिलता है। कैमल पे आपने देखा होगा इस तरीके से क्या होता है, उसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से होता है ना, हम्प होता है, राइट। और अगर ये हम्प है तो इसका मुंह किधर की साइड पे होगा, इधर के साइड पे होगा। तो ये क्या है, कैमल है, और कैमल कहाँ मिलेगा, राजस्थान के अंदर। और इसका जो मुंह है वो किधर के साइड पे ओपन हो रहा है, गुजरात के साइड पे ओपन हो रहा है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि ये वाली जो जगह है ये है पंजाब, ये हो गया राजस्थान, इसके नीचे क्या है, गुजरात। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब कोई चीज़ अगर आप ऐसे समझो ना कि किसी का हम्प है, हम्प है तो दूसरे साइड पे माउथ होगा, एक साइड पे टेल होगी, तो ये क्या है, ये है यहाँ पे हम्प, और ये क्या है, ये हो जाएगा माउथ। ये माउथ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहां से लैंड एरिया की शुरुआत हो रही है। ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये क्या है, अरेबियन सी है। तो हमने क्या देखा, गुजरात राजस्थान और पंजाब, ये खत्म। अब देखो ये क्या है, भारत का दिल है यानी कि द हार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारत के बिल्कुल मध्य में जो जगह है वो क्या है, मध्य प्रदेश है। बट एक पॉइंट, मध्य प्रदेश से जो स्टेट अलग हुई थी वो कौन सी थी, वो कौन सी थी, छत्तीसगढ़ थी। तो एमपी के साथ में छत्तीसगढ़ लग गया, चलो ये कहानी खत्म। अब बचा यहाँ पे क्या, यूपी बचा, बिहार बचा और झारखंड बचा, यही तीन तो बचे। अब देखो समझना, यूपी जो है हम सभी लोग जानते हैं
उत्तराखंड जो बनाया गया था वो यूपी से अलग होके 2000 में बना था, राइट। तो यूपी जो था जब वो उत्तराखंड के साथ में जब डिवीजन उसका हुआ, तो उत्तराखंड ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है यूपी कहाँ होगा, उत्तराखंड के नीचे होगा, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, यूपी के अंदर अगर आप देखें तो सब लोग बड़ा भैया भैया करते फिरते हैं, तुम लोग जो कहते हैं ना मैम भैया मत बोला करिए, तो बड़ा भैया भैया करते रहते हैं। तो यूपी के साथ में कौन आएंगे, भैया जी, कौन, बिहार। और बिहार में से जो राज्य अलग हुआ था, जो हिस्सा थोड़ा सा अलग हुआ था, वो कौन सा था, झारखंड था। तो ये मैंने आपको पूरा मैप समझा दिया है, उम्मीद करेंगे कि आपको एक एक हिस्सा जो है वो समझ में आ गया होगा। ये हो गया क्या, लद्दाख, ये है आपका जम्मू कश्मीर, दिस इज हिमाचल, पंजाब, यहाँ हो गया उत्तराखंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पार्ट है हरियाणा का। देखो अभी दिल्ली के बारे में कोई बात मैंने नहीं करी है, ये है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इधर के साइड पे देखोगे यूपी है, यहाँ पे बिहार हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा एंड तमिलनाडु, ये है सिक्किम और ये बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। यहाँ तक उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया होगा। अब एक बार से देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज आई होप आपको याद होगा, मैंने अलग से पढ़ाया भी है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अभी लेटेस्ट जो आपके यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो ये था पूरा का पूरा ट्रिक के साथ में आपका मैपिंग का सेक्शन, जो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत ही कायदे से समझ में आ जाए। कम समय लगाते हुए हमने पूरा मैप डिस्कस कर लिया। हाउ वॉज द सेशन पहले तो मुझे ये बताना, एंड अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, सो दैट आपको बाकी भी आगे चल के ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं आस्क अ डाउट के सेक्शन के अंदर, रेज योर हैंड करके। यहाँ पे आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलेंगे। जब आप यहाँ पे प्लस के बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको कोड जो यूज करना है वो है कृति 10। तो आपके पास में अभी भी टाइम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, यहाँ पे ये सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके चलिए तो मिलते हैं, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।